फिर जब चले जाने के बाद पता चलता है कि वही टीचर सही था। ये नहीं, ये फैक्ट है भाई, बहुत सारे राज्यों में देखा गया है, फैक्ट है। जब पढ़ोगे नहीं यही होगा, पहली बार पढ़ोगे नहीं सारों को ब्लॉक कर देंगे। अरे बताओ, समझ में आ रहा है कि नहीं? बताइए बताओ। यस सर, कोशिश कर रहे हैं सर। केवल नेट फोर्स इक्वल टू एम ए लिखने आता है, सब फीडबैक सही भरेंगे इस बार। अरे तो करोगे ऐसे क्वेश्चन? अरे जल्दी लिखो यार। इसके आगे स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा और आगे चलते हैं, ज्यादा हो गया। तो है एम प्लस टेन इंटू ए होगा ना, तो ए तो आ रहा नहीं है इस क्वेश्चन में, कहाँ से निकल गया भाई तूने? ए नहीं आ रहा, ए नहीं आएगा ना, ए कहाँ आएगा? इक्विलिब्रियम कंडीशन है तो ए कहाँ से आएगा भाई? इक्विलिब्रियम कंडीशन है तो हाँ, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे ना। तो आंसर आ जा रहा है, आंसर क्या आ रहा है सर? 7.5। देखो भाई ने आंसर बता दिया इसका, 7.5 आ रहा है क्या? यस सर। कितने लोग आ गया? इतने लोग कर चुके हैं, सही बात। बना देखो, इन दोनों को इक्वल कर देंगे है ना। देखो क्वेश्चन सॉल्व करने में ना, तुम्हें क्वेश्चन में कीवर्ड पकड़ना है। कीवर्ड क्या था यहाँ पे? इक्विलिब्रियम था। और इक्विलिब्रियम मतलब क्या होता है? सारा सिस्टम क्या होना चाहिए? रेस्ट या कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करना चाहिए, तभी नेट फोर्स जीरो होगा। क्या तुम्हारे मॉड्यूल में क्वेश्चन दिया है एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम, वहां पे क्या लिखना है? एक्सेलरेशन जीरो है, निकाले नहीं है, एक्सेलरेशन जीरो होगा। हां, इसमें भी इक्विलिब्रियम बोल रखा है, तो भाई साहब दोनों बॉडी क्या होने चाहिए? रेस्ट होने चाहिए क्या? जो फोर्स यहां आएगा वही फोर्स यहां पहुंच जाएगा और इसके बराबर होगा। कुछ नहीं करना, एक लाइन का आंसर है। इक्विलिब्रियम कंडीशन में टी दोनों एक ही है, एक ही स्ट्रिंग है ना।